तो कहेंगे कि लगाओ फोटो, क्या दिक्कत है, पांच मिल रहा है। अरे उतना वोट ही नहीं पड़ेगा, कैसे बदल जाए। आ गई है आज रोजी रोटी पर आफत है, चटर गिरने की स्थिति में है। टैक्स पर टैक्स आप बढ़ाए जा रहे हैं, व्यापार को एकदम चौपट किए जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार बेरोजगारी का दर, उस पर बात करो, उस पर बात करने के लिए सरकार कहीं भी खड़ी नहीं होती है। 2024 में हम मोदी जी को लाएंगे, ठीक है, लेकिन 2022 में सरकार बदलनी चाहिए। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मुद्दे की बात पर खड़ा नहीं होना चाहते। कुछ भी है मगर आएंगे तो योगी जी। डमी को पोता पहनाया जा रहा है, समझ लिए पोजीशन क्या है। सुबह होते ही पापा 10 रुपया दीजिए, हमको ये चीज लेना है, आपके पास क्या है? बोले हम फंडिंग कर रही है व्यापार। सारे देख रहे बड़े बड़े छाता, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, रुपए, पैसे, सब वोट पोलिंग बूथ पर जाकर के जो है योगी में चला जाएगा। मतलब समझ लीजिए अभी भी ईवीएम, अभी भी ईवीएम जिंदा है। आपको तो बेटी है नहीं, बेटा है नहीं, उसका दर्द आप क्या जानेंगे। जनता जो है ऑलरेडी परेशान है, जनता को रोटी नहीं मिलेगा, यह उसी का प्रतीक है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज पैकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इसमें बनारस के लंका क्षेत्र में है, और ये पीछे देखिए कि वो रविदास गेट दिख रहा है। लेकिन रविदास गेट तो दिख रहा है, लेकिन एक अनोखा चीज़ देखने को मिला है। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी पहले उस अनोखे चीज़ को दिखाएं। ये अनोखा चीज़ है कि एक डमी मतलब कि एक पुतला है, और उसके गले में बीजेपी का एक सिंबल लगाया गया है, टोपी लगाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तमाम लोग आते हैं मार्केट करने, प्रचार करने का नया तरीका है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तमाम लोग हैं इससे, कि क्या इससे प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इस डमी जो पुतला है इससे लोग प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। जी क्या नाम है आपका? मैं राम भरत ओझा, हाँ, और महामंत्री हूँ इस यहाँ संगठन का, लंका व्यापार मंडल का, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी महानगर का महामंत्री हूँ। ये बताइए कि जो यहाँ पे आप दुकान में देख रहे हैं वो कितना सही है? देखिए वो दुकानदार जो है दबाव में, प्रेशर में, दुकानदारों की रोजी और रोटी मर चुकी है, दुकानदार त्रस्त है। पहली मार जो है नोटबंदी, दूसरी मार GST, और उसके बाद अर्थव्यवस्था की लगातार गिरती हुई स्थिति से परेशान है दुकानदार। बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, बड़े बड़े जो है यहाँ पर जो स्टोर्स लगा रही हैं, उसमें सारे व्यापारी जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, जो लोअर क्लास व्यापारी हैं, उनके उखड़ने की स्थिति आ गई है। आज रोजी रोटी पर आफत है, शटर गिरने की स्थिति में है। ऐसे कंडीशन में उन व्यापारियों को अगर आप 500 रुपया दे करके और कहें कि आप जो है मेरा टोपी पहन कर खड़े हो जाइए, तो व्यापारी सोचेगा कि उसकी 10 रुपये की बोहनी नहीं हो रही है, तो 500 रुपया तो मिल रहा है। तो ये सरकार जो मुद्दाविहीन राजनीति करती है, इसे बार बार खींचने की कोशिश किया जा रहा है कि मुद्दों की बात करो, इसे बार बार कहा जा रहा है कि देश की प्रचंड मोहबाए खड़ी, व्यापारियों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या, बढ़ती हुई महंगाई जो मुँह बाकर 6.01 पहुँच गई है भारतीय इतिहास में पहली बार बेरोजगारी का दर, उस पर बात करो, उस पर बात करने के लिए सरकार कहीं भी खड़ी नहीं होती है। यह सरकार खींच कर कहाँ ले जाती है, हर बात को कहाँ ले जाती है खींच कर? राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मुद्दे की बात पर खड़ा नहीं होना चाहती है। एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ लगा है डमी में, इसमें कितना दम है? कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता जो है ऑलरेडी परेशान है, जनता को रोटी नहीं मिलेगा, यह उसी का प्रतीक है कि डमी जो है पहन रहा है पुतला, जीवित व्यक्ति नहीं पहन रहा है, क्योंकि जीवित व्यक्ति परेशान है, डमी ही पहन रहा है। ये स्थिति आ गई भाजपा की, डमी को पहनाया जा रहा है। हाँ, डमी ही पहनेगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति मर चुका है। उस दुकान का व्यापारी जो है वह तो भोजन भी नहीं मर रहा, उसका बिक्री नहीं है, उसके शटर गिरने की स्थिति है। इसलिए अल्टीमेटली बात आती है कि डमी पर, लकड़ी पर, मोटरसाइकिल पर लगाया जाए इसको, यही हो सकता है, और वैसी का प्रतीक है। डमी को पोता पहनाया जा रहा है, समझ लिए पोजीशन क्या है। अभी अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके अवैध नोटिस को वापस लीजिए, जो आपने रिकवरी का अवैध नोटिस जो जारी किया था, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया, उसमें वापसी लेने, मुंह के बले गिरा है सरकार, वापसी लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब फालतू का हिंदू मुसलमान करके जो है आप बरगला नहीं सकते। पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? नहीं, पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं, हो तो सभी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जो चीज आप देख रहे हैं उससे बताइए कि ये जो व्यापारी लोग हैं किस पार्टी की तरफ रुझान है?
नहीं, व्यापारी का रुझान तो भाई जिसकी दुकान है वो तो व्यापारी है। हाँ, जो व्यापारी है तो देखिए कि सीधे तौर पे बीजेपी का नाम खुलकर प्रचार कर, खुलकर प्रचार कर, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में व्यापारी किस जगह पे। देखिए, व्यापारी व्यापार करता है, व्यापारी मिट्टी से लेकर सोने तक बेचता है। अगर उसकी दुकान ही कोई कहे कि मैं आपको 5,000 रुपया दे रहा हूँ और आपके दुकान में मेरा जो है फोटो लगाएगा, तो कहेगा कि लगाओ फोटो, क्या दिक्कत है, 5,000 मिल रहा है। और व्यापार करता है, बीजेपी फंडिंग की है क्या इन दुकान, क्या फंडिंग कर रही है, खुलेआम फंडिंग कर रही है। व्यापार सारे देख रहे, बड़े बड़े छाता, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, रुपये, पैसे सब, आप उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे, क्या मूड है इस बार के चुनाव में? बदलने का मूड है। बदल देंगे जी। क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं। व्यापारी हैं। व्यापारी लोग इतना नाराज क्यों हैं? क्यों नहीं होंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं होंगे? टैक्स पर टैक्स आप बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन व्यापार को एकदम चौपट किए जा रहे हैं। व्यापार के बारे में कभी आप सोचे हैं? व्यापार के बारे में आप कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचे हैं। टैक्स पर टैक्स आप बढ़ाए जा रहे हैं। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले GST था पेन पर 12%, इस समय कर दिया आप 18%। आपको तो बेटी है नहीं, बेटा है नहीं, उसका दर्द आप क्या जानेंगे? आप जान सकते हैं उसका दर्द? सुबह होते ही पापा 10 रुपया दीजिए, हमको ये चीज़ लेना है। आपके पास क्या है? आपसे कौन मांगेगा? मांगेगा कोई? बहुत दर्द है। दर्द क्यों नहीं है? आंखों से झलक रहा है, झलक दर्द है इस सरकार से। आप हम करें दूसरे के सरकार में गैस सिलेंडर 250 से 300 हुआ, 300 से 400 हुआ, तो आप लगे थाली पीटने। आज आप 1,000 का बेच रहे हैं। पेट्रोल था उस समय 65 रुपया लीटर, इस समय 100 रुपया लीटर है। क्या कमाएगा व्यापारी? आपको टैक्स से मतलब कि किसी आम जनता से मतलब है? आप ये बताइए हमको, ये बताइए कि वोट में तब्दील हो पाएगा जो आप? जरूर हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ये बताइए कि जो आपने दुकान में ये लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? अभी आपके बगल में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इनको फंडिंग की है, तब ये प्रचार कर रहे हैं। कुछ भी है मगर आएंगे तो योगी जी। जो भी विरोध कर रहा है मगर सब देगा योगी जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि बात ये नहीं, हम लोग राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। हाँ। प्रदेश अच्छा, प्रदेश के लिए नहीं जी रहे, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। लेकिन वो भी राष्ट्र आएगा आपका 2024, हम 2024 में हम मोदी जी को लाएंगे, ठीक है, लेकिन 2022 में सरकार बदलनी चाहिए। योगी भी जरूरी है। नहीं, क्यों जरूरी आप बताइए हमको? क्यों? इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी के हाथ में है। पेट्रोल और किसके हाथ में है? आप टैक्स कम करिए ना, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का आप टैक्स कम करिए, आप GST कम करिए। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे संगठन के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमारे महत्वपूर्ण मांगों में है कि डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाए, जिसे 28% टैक्स लगा, अभी जो 54% टैक्स लग रहा है और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसको जब ही GST के दायरे में लाएंगे वो 60 रुपये आ जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है GST के दायरे में लाने को तैयार नहीं है। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, इनको समझाइए आप लोग। नहीं, राष्ट्र हित आपका 2024 में आएगा। हम मोदी जी को लाएंगे 2024 के लिए, लेकिन 2022 में सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि 2022 में सरकार बदल जाएगी। अरे उतना वोट ही नहीं पड़ेगा, कैसे बदल जाएगा? जो भी वोट है भैया योगी के ही पक्ष में जाएगा। अच्छा, जो भी वोट पड़ेगा योगी पे जाएगा। वोट कहीं डाली योगी जी चला जाएगा। आप जितना भी जनता को समझा लीजिए, मगर पोलिंग बूथ तक जाते जाते वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। वोट कहीं डाली योगी जी चला जाएगा। अब भाई साहब का कहना है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही कहना है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनका कहना है वोट कहीं डालो, वोट पोलिंग बूथ पर जाकर के जो है योगी के में चला जाएगा। मतलब समझ लीजिए अभी भी EVM जिंदा है, इसीलिए 300 पार लोग कर रहे हैं। क्या इसीलिए जिंदा होगी 10 तारीख के बाद? अभी तक तो मुर्दा ही है, ठीक है। तो तमाम ये लोग थे, बहुत सारी चीजें सामने आई। आप लगातार ये
बनारस के लंका से ये रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।